हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया और देखने में बहुत ही सुंदर नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी आप इस नाश्ते को अपने घर पर बनाकर खिलाएंगे या फिर आने वाले मेहमानों को बनाकर सर्व करेंगे तो वे भी इसे देखते ही रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ये नाश्ता किससे बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये नाश्ता। देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मेजरिंग कप से एक कप मैदा डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तेल डालने से हम जो नाश्ता बना रहे हैं वो बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस नाश्ते की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना कर देखें। ये नाश्ता खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है। जब भी आप इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे या सर्व करेंगे तो आप कचौरी समोसे का टेस्ट भी भूल जाएंगे। हमने जो मोयन डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इतना मोयन नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंद लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो मैदा बहुत जल्दी गीला हो जाएगा। इसे आप सुबह या शाम कभी भी बना सकते हैं। देखिए आटे को मैंने गूंध लिया है। अब इसे हम कवर कर रख देते हैं। अब गैस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन में हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। तेल भी हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से तड़कने देते हैं। राई भी अच्छे से तड़कने लगी है। अब इसमें हम आधा चम्मच खड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। इन्हें भी हम हल्का सा भून लेते हैं। खड़ा हरा धनिया और सौंफ भी अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। ये मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे ग्रेट कर लिया है। इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। अदरक लहसुन भी भून गया है। अब इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च को भी हम चलाते हुए भून लेंगे। हरी मिर्च को भूनने के बाद अब इसमें हम 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसे चलाते हुए हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो देखिए प्याज को भी मैंने चलाते हुए हल्का गुलाबी होने तक भून लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप इस नाश्ते को और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च या हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। अब सभी को चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो भी चला जाए। मसालों को चलाते हुए मैंने भून लिया है। अब हम इसमें 2 बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। आलूओं को मैंने पहले से ही बॉईल करके छिलका उतार कर मिश कर लिया था। चलाते हुए सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने सभी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू के जो भी बड़े टुकड़े हैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इस नाश्ते को आप जब भी अपने घर पर बनाकर खिलाएंगे, ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी इसे दोबारा जरूर बनाने के लिए कहेंगे। अब
आलू के सभी टुकड़े भी अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसे हम और भी चटपटा बनाने के लिए एक चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू के रस से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो इसकी जगह पे आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नींबू के रस को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे, चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे तो इस तरह से हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम एक बार और मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे चिकना कर लिया है। अब डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस साइड का पोर्शन लिया है। अब इसकी हम लोई बनाएंगे और डो को साइड में कर देते हैं। देखिए मैंने लोई बना ली है। लोई को बेलने के लिए मैंने सूखा आटा लगाया है। अब इसे हम रोटी की तरह बेलेंगे। इसे हमें ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो देखिए मैंने इस साइज का बेल लिया है। अब इसकी थिकनेस में आपको दिखाती हूँ। अब हम चाकू की हेल्प से इसे आधे पार्ट में कट करेंगे। इसे हमें पूरा पूरा कट नहीं करना है, हाफ हाफ कट करना है। इस तरह से देखिए मैंने रोटी पर कट लगा दिए हैं। अब हमने जो आलू की स्टफिंग रेडी की है उसे हम इस रोटी पर रखेंगे। तो देखिए स्टफिंग को मैंने रोटी पर रख लिया है। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इस पार्ट को भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इस साइड पर भी हम थोड़ा पानी लगा लेते हैं। इस पूरे पोर्शन को हमें फोल्ड करना है, अच्छी तरह से चिपका देना है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। अब इस साइड पर हम थोड़ा सा किनारी पर पानी लगा देते हैं। देखिए इस नाश्ते को मैंने इस तरह से बना लिया है। जॉइंट को आप अच्छे से चिपकाएं, नहीं तो ये फ्राई करने पर खुल जाएगा। अब इसे उठाकर हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे नाश्ते को बनाकर रख लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने की ओर। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर पहले से ही गर्म होने रख दिया था और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही रखा था।
अब हल्का सा तेल गर्म हो गया है, इस नाश्ते को उठाकर हम तेल में डाल देते हैं। और जो जॉइंट का हिस्सा है हम उसी साइड से पहले नाश्ते को रखेंगे। जितने कढ़ाई में आएंगे हम उतने ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो नाश्ता अच्छे से फ्राई नहीं होगा। अब स्लो फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई होने देते हैं। अब इन्हें हम धीरे से पलट लेते हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सभी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे नाश्ते को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ सारा नाश्ता फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर देखें और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।